भैया हम लोग देखो अंबरपेट कॉलोनी से है। अब हमारे घर के नीचे नए लोग आए एक साल से, हम लोग 50-60 साल से है, हम लोग जॉइंट फैमिली से है भैया, घर में पूरे लेडीज़ रहते, आके उन्होंने एक साल से घर खरीद के जो है सो हमारे पर टॉर्चर कर रहे। कौन कर रहे? नीचे वाले, नीचे जो घर खरीदे 70 शेख अब्दुल 70, उनके भाई मोइन और भतीजे, उनके दो बेटे भी है, उन लोग पूरे आके टॉर्चर कर रहे, गंदी गंदी गालियों से बात कर रहे। लेडीज़ के ऊपर तो रोज़ हरासमेंट रहता, रोज़ मुँह को आए ऐसा बक देते, गालियों से बात करते। और आज जब से ये कराओ वो कराओ बोल के 3-4 लाख रुपए काम भी कराए सर उन लोगों के पीछे, तो भी सुकून नहीं है। और हम लोग को अब मुँह पे वार्निंग दे रहे के देवर को कुछ भी कर देते बोल के, कभी भी कुछ भी करते, तुम लोग कोई भी नहीं आना बीच में बोल के। अब हम लोग को 11 बजे से शुरू हुआ सर, लेडीज ही छे घर में, कोई भी नहीं है, जेंट्स सबको बुला लो, फोन आ करके बुला बोल के, एक भाई को पिला के, एक भाई को बाजुक लेके सबको जमा करके उन लोग खुद गालियों से धोते जा रहे। तो हम लोग सुने 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 जेंट्स आए बात करो भैया बोल के भी बोले तो भी उन्होंने गंदी लैंग्वेज से, पूरी गंदी गालियों से औरतों को सबको टॉर्चर करे हुए तो बोलते जा रहा सर। तो मैं हमारे बड़े भैया कुछ बुलाई आखिरी में, उनको बात करते करते उनको मार दिया सर, मार के लेडीज़ को पूरों को गंदे गालियों से बात कर रहा था। हम लोग आके हटा रहे थे तो सबको ढकल के मार दे रहा, और देखो देखो कैसा मार मार के वो कर दे रहा हमारा भाई जसो से, वो दुश्मनी कर रहे हमारे, वो नीचे पी के जो है ना लेडीज के हमारे महानों को पूरों को गालियां दे रहे थे। मेरा भाई छोटा भी बाहर था, कुछ काम से गया था, उससे दुश्मनी बहुत कर रहे साहब, उसको मार दे तो बोल के वार्निंग कर रहे। उसके ससुरे को जो है ना फ़ोन करके वार्निंग दे रहे कि तुम्हारे दामाद को संभाल लो, हम कुछ भी करें तो तुम बीच में नहीं आना बोल के वो कर रहे साहब। ये अभी अभी रिसेंट आया उन्होंने कुछ भी, अभी वो बल्दिया का कॉलोनी है साहब, छोटा से मकान है, अब उन्होंने नीचे रहते हम ऊपर रहते, हम 45 ईयर्स से है साहब, ये अभी ये साल 6 महीने भी नहीं आए, नहीं आके हर दफ़ा किरकिरी करते रहते साहब। इससे पहले आदमी था उन्हें भी 45-50 साल था, कभी लड़ाई नहीं हो साहब, इन्हें आई जैसे से हमेशा रोज़ाना एक किरकिरी और गंदे गंदे गालियाँ देना, पी के आके रातों में गड़बड़ करना ऐसा कर रहे साहब। हम लोगों को कंप्लेंट करे साहब, हमको ये हुकूमत से और पुलिस स्टेशन से हमको उम्मीद है, ये लोग के रोड़ी शीटर वो अच्छे नहीं है लोग साहब, ये अंबरपेट PS में कंप्लेंट करे साहब, अंबरपेट PS में कंप्लेंट करे। उनको मैं समझा के बात कर रहा हूँ तो मेरे को ठेक लिए, मेरा भाई बाहर से आते उसके ऊपर मारने को जाके उसको देखो साहब टाके लगे ऐसा मारे साहब, अभी 5-6 टाके लगे साहब उसको। कितने जनों को मार लगे टोटल? एक टोटल लेडीज़ को दिखा के 5-6 जनों को मारा लगे साहब। हम लोगों को इंसाफ चाहिए साहब ऐसे लोगों से, वो नीचे घर में किरबिरी करे साहब। ये बल्दिया से भी कंप्लेंट करना है मेरे को, ये बल्दिया सर ये पुराने मकान है साहब, 50-60 साल बने सो, अभी साउंड नहीं आना। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे साहब, छत डाल के छोड़ दिए बहुत दिन हुआ, अभी हमारे पास घर बनाने का उतना नहीं है, बनाएंगे
तो उन्हें बोलता अभी फ्लोरिंग डालो, साहब पत्थर बिछाने के बाद में घर कैसा बनाते साहब? हम बोले घर बनाते जब फ्लोरिंग भी बनाते आपको पत्थर उत्थर डाल के देते थोड़ा सा, नहीं नहीं मेरे को साउंड पोल्यूशन हो रहा, मेरे को साउंड, मेरे को बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा, एक हफ्ते के अंदर बनाना नहीं है तो मैं मस्जिद का काम करता हूँ, मस्जिद मेरा भाई है साहब उसका काम करता हूँ बोल के उसको वार्निंग देते साहब कमिश्नर साहब से और ACP साहब से और हमारे अंबरपेट PS में सर्कल साहब से सब पे भरोसा है साहब, हमको इंसाफ चाहिए साहब, अभी हमको इंसाफ चाहिए, अब अगर इंसाफ नहीं मिला ना कभी भी मेरे भाई को उनके तरफ से जान का धोखा है साहब। ये लोग क्या है, उन लोगों के नाम है सत्तार शरीफ है, मोइन शरीफ है, हफीज शरीफ है और उनका भतीजा जो है ना मोइन का बेटा फारूक है साहब।